वरुण धवन की फिल्म जुड़वां दो ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग की है। इस साल रिलीज हुई फिल्मों के कलेक्शन के मामले में ये फिल्म चौथी सबसे बड़ी ओपनर बनी है। पहले दिन की कमाई के मामले में इस फिल्म ने शाहरुख खान की जब हैरी मेट से जल अक्षय कुमार की टॉयलेट इल्क प्रेम कथा और अजय देवगन की बादशाहों को भी पीछे छोड़ दिया है। जुड़वां दो ने पहले दिन कमाए 16.10 करोड़ रुपए। जुड़वां दो की पहले दिन की कमाई 16.10 करोड़ रुपए पहुँच गयी है। डायरेक्टर डेविड धवन की इस फिल्म में वरुण धवन के साथ जैकलीन फर्नांडीज और तापसी पन्नू लीड रोल में हैं। फिल्म के प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियाडवाल ने। ये फिल्म 1997 में आई सलमान खान की फिल्म जुड़वां का रिमेक है। इन फिल्मों से आगे निकली जुड़वां दो इस साल वरुण धवन की फिल्म जुड़वां दो ने दिग्गज स्टार्स की फिल्मों को पहले दिन की कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इस साल शाहरुख खान की फिल्म जब हैरी मेट से जल ने पहले दिन 15 करोड़ कमाए, वहीं अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट इल्क प्रेम कथा ने 13 करोड़ रुपए और अजय देवगन की बादशाहों ने 12 करोड़ रुपए की कमाई की। आज इस पैकेज में आपको ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने इस साल पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई की। बाहुबली दो। डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली दो में प्रभास, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना, राणा दगुप्ती लीड रोल में थे। ये फिल्म 195 करोड़ रुपए के बजट में तैयार हुई थी और फिल्म ने 708 करोड़ रुपए की कमाई की। डायरेक्टर कबीर खान की फिल्म ट्यूबलाइट में सलमान खान, सोहेल खान और चीन की एक्ट्रेस जूजू लीड रोल में थे। ये फिल्म 135 करोड़ रुपए के बजट में तैयार हुई और इनसे 156 करोड़ रुपए की कमाई की। डायरेक्टर राहुल ढोलकिया की फिल्म रईस में शाहरुख खान और माहिरा खान लीड रोल में थे। इस फिल्म का निर्माण 127 करोड़ रुपए में किया गया था। फिल्म ने 176 करोड़ रुपए की कमाई की। डायरेक्टर इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी फिल्म जब हैरी मेट सेजल में शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा लीड रोल में थे। ये फिल्म 119 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी और इसने अभी तक 62 करोड़ रुपए की कमाई की। डायरेक्टर श्री नारायण सिंह की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर ने लीड रोल प्ले किया। ये फिल्म 75 करोड़ रुपए के बजट में तैयार हुई। इसने अभी तक 135 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। डायरेक्टर सुभाष कपूर की फिल्म जॉली एलएलबी डो में अक्षय कुमार और हुमा कुरैशी लीड रोल में थे। इस फिल्म का निर्माण 83 करोड़ रुपए में किया गया और फिल्म ने 148 करोड़ रुपए की कमाई की। डायरेक्टर मिलन लुथरिया की फिल्म बादशाहों में अजय देवगन, इमरान हाशमी, इलियाना डिक्रूज, ईशा गुप्ता लीड रोल में थे। फिल्म का निर्माण 90 करोड़ रुपए में किया गया और इसने अभी तक 170 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। डायरेक्टर शशांक खेतान की फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया में वरुण धवन और आलिया भट्ट लीड रोल में थे। फिल्म का निर्माण 44 करोड़ रुपए में किया गया और इसने 158 करोड़ रुपए की कमाई की। डायरेक्टर संजय गुप्ता की फिल्म काबिल में ऋतिक रोशन और यामी गौतम लीड रोल में थे। फिल्म का निर्माण 89 करोड़ रुपए में किया गया। इस फिल्म ने 119 करोड़ रुपए की कमाई की।